हे ऑल, स्वागत करती हूँ आप सभी का। गुड आफ्टरनून, कैसे हो? आई होप सभी हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। गायुष, आपके पर्सन के अभी इस वक्त की फीलिंग्स क्या है? आपके रिश्ते का सिचुएशन, आप दोनों के बीच सिचुएशन क्या है, चल क्या रहा है आप दोनों के बीच? आपके पर्सन के माइंड में, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है राइट नाउ, आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर किस एनर्जी में है, चेक कर लेते हैं। रीडिंग छोटी होगी, ओके। और एक बात कहना चाहूंगी, प्लीज जब भी आप लोग पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट करते हो, सो आप कॉल मत किया करें, ओके। आप मुझे व्हाट्सएप किया करें, आपको डिटेल्स जरूर सेंड कर दिया जाएगा, ओके। सो आपको कॉल बिल्कुल भी नहीं करना है, पर्सनल रीडिंग लेनी है उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप करें, ओके। कॉल नहीं करना है आपको। तो चलिए चेक करते हैं अब आपकी पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, आपके पार्टनर की फीलिंग्स किस एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में, ओके। फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स और यहाँ पर आया है लवर्स। आप ना काफी ज्यादा राइट नाउ इमोशनल हो रहे हो, आपके मन में, आपके दिल में मैं काफ़ी ज़्यादा प्यार देख पा रही हूँ उस पर्सन के लिए। आई थिंक यहाँ पर कोई तो किसी को इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, प्यार दोनों की तरफ से म्यूचुअल मुझे दिखाई दे रही है, अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच, पर हो सकता है सिचुएशन ही कुछ ऐसा हो गया है कि किसी एक पर्सन का फोकस यहाँ पर सामने वाले पर्सन पर नहीं बना पा रहा है या अपने रिश्ते पर नहीं बना पा रहा है चाह कर भी। किसी के पास यहाँ पर ऑप्शन हो सकता है, ओके, अपने लवर और बेस्ट फ्रेंड के बीच या लवर्स और फ्रेंड्स के बीच बैलेंस नहीं बना पा रहा, ऐसा हो सकता है। या आपके पर्सन कंफ्यूज हैं आपको लेकर, ये भी हो सकते हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग दिख रहे हो सकते हैं कि इनके साथ आपका कनेक्शन 4 वीक से आप दोनों एक दूसरे को जानते होगे। कोई एक पर्सन बात करने की कोशिश कर रहा है और कोई दूसरा पर्सन यहाँ पर अवॉइड कर रहा है, ये मुझे एक सिचुएशन दिखाई दे रही है, ओके। मुझे ना यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आई थिंक आपके पर्सन ने या तो आपने इस पर्सन से कांटेक्ट किया है या तो आपके पर्सन ने आपसे बातचीत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोई दूसरा पर्सन यहाँ पर किसी एक को अवॉइड कर रहा है, तो किसी एक पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतना प्यार करता हूँ उसे, करती हूँ उसे, और उसका ऐसा रिस्पॉन्स, उसका ये अवॉइड करना, उसका ये इग्नोर करना, क्या उसके नज़रों में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है? क्या मेरा जो प्यार है वो एक तरफा है? प्यार तो उसने भी किया था, ओके। उसका एनर्जी देखकर, उसको देखकर, उसका लव केयर, उसका उसकी आंखों में देखकर, उसका जो एफर्ट्स करना था आपके लिए, ठीक है, उसको देखकर तो लगा ही था कि अट्रैक्शन, लव दोनों की तरफ से म्यूचुअल है। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये पर्सन आपको अवॉइड करने लग गया, आपको इग्नोर करने लग गया? उसका ना एक वजह मुझे दिखाई दे रहा है, वजह जानते हैं यहाँ पर, ओके। क्या वजह है कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं? क्या वजह है ये पर्सन आपको इग्नोर करने कर रहे हैं? इनका इग्नोर करने का वजह क्या है? अगर ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, ओके, आप अगर इग्नोर कर रहे हो तो आपको तो पता है। अगर आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, ये पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, प्यार तो दोनों की तरफ से है, ओके, पर हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो या इस पर्सन की तरफ से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है किसी तरह से, ओके। आप कंफ्यूज रहे हो या तो ये पर्सन कंफ्यूज रहे हैं, सो राइट नाउ कोई एक पर्सन को हर्ट हुआ है उस चीज़ का, ओके, किसी के इग्नोर करने का, किसी का उनको लगा कि मैं इसके लिए, मुझे ऑप्शन नहीं बनना है, मुझे चॉइसेस नहीं बनना है, अगर ये मुझे प्रायोरिटी नहीं दे सकता तो मुझे किसी का ऑप्शन भी नहीं बनना है, ओके। सो दूसरा पर्सन सामने वाले पर्सन को इग्नोर करने लग गया, ओके। तो अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, ये पर्सन यूनियन चाहते हैं आपसे, बातचीत करना चाहते हैं, मीटिंग चाहते हैं, बिल्कुल आपके लिए मुझे तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन को होप है, इंतज़ार है आपकी तरफ से मैसेज का, कॉल का, अगर आप अवॉइड कर रहे हो इनको तो, ओके। और अगर ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं तो बिल्कुल आप चाहते हो कि आप दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाए, आप दोनों का मीटिंग हो, आप वापस से साथ में आ जाओ। तो इग्नोर करने का रीज़न क्या है? मुझे ना ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 6677 आई थिंक आप एंजल्स नंबर काफ़ी ज़्यादा देख रहे हो, ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि एक वजह ये है कि आपके पर्सन के पास ऑप्शन है, चॉइसेस है रिश्ते में, रिलेशनशिप में, या तो इनके पास
ऑप्शन आ रही है, चॉइसेस आ रही है, ऑफर आ रही है लव रिलेशनशिप में, मैरिज में, ओके। सो ये पर्सन मुझे थोड़े से कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, आई थिंक इसी वजह से ही ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, ओके। और दूसरी वजह मुझे कैरियर दिखाई दे रहे हैं कि इनके कैरियर में कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है, जैसा कैरियर ये चाहते हैं, ओके। जितना ये मेहनत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आई थिंक इनको अवार्ड नहीं मिल रहा है, ओके। उनके अकॉर्डिंग इस पर्सन को रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, जैसा ये चाहते हैं कैरियर में ग्रोथ वैसा नहीं हो रहा है, आई थिंक इनको मनी प्रॉब्लम्स भी हो रहा है। सो अवॉइड करने का मुझे या इग्नोर करने का, बैलेंस नहीं बना पाने का एक यही दिखाई दे रहा है, ओके। यही सिचुएशन फर्स्ट है रिलेशनशिप में, कनेक्शन में इस पर्सन के पास ऑप्शन है, या तो आपके पास ऑप्शन है तो हर्ट हुआ है यहाँ पर, ओके। अगर आपके पास ऑप्शन है, इन्होंने ऐसा फील किया है कि ये आपके लिए ऑप्शन है, सो इनको हर्ट हुआ है, आई थिंक इस वजह से पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। दूसरी वजह है कैरियर, ओके। दूसरी वजह कैरियर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, इनके पास ऑप्शन है या तो आपके पास ऑप्शन है रिलेशनशिप में, ओके। ये है क्रिएशन और दूसरा कैरियर है यहाँ पर, ओके। कुछ लोग लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, किसी और से बातचीत कर रहे हैं, किसी और की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, ओके। और ये पर्सन, इनको समझ नहीं आ रही है कि क्या करना चाहिए, इनके लिए बेहतर ऑप्शन क्या है। यही है आपको अवॉइड करने का, आपको इग्नोर करने का रीजन, ओके। या तो कैरियर या तो ऑप्शंस, ये पर्सन कंफ्यूज है। तो ये है आपकी छोटी सी रीडिंग, हो सकता है कि रीडिंग सभी से मैच नहीं हुई हो, जिनके लिए एनर्जी मिलना था उनके लिए तो मिल गया, ओके। आज की एनर्जी में, अभी की एनर्जी में मुझे यही दिखाई दिया है। सो अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुआ है तो लीजिए, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं गाइस, ओके। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी से रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं है। तो अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुआ है तभी लीजिए, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, ओके। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, और पर्सनल रीडिंग बाय करना हो किसी को, आपको मुझे कॉल नहीं करना है, आप मुझे दिए गए नंबर पर, ओके, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक करते हो, उसमें भी मेंशन है नंबर, सेम नंबर, ओके। इसमें आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। और एक बात कहना चाहूँगी, जो आपकी कमेंट्स के नीचे जो कमेंट करते हैं आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ओके, ऐसा दावा करते हैं, ऐसे स्कैमर से, फ्रॉड से, फेक लोगों से आपको बच के रहना है, ओके। खुद को, अपनी मनी को प्रोटेक्ट करना है, ओके। स्कैमर्स हैं ये लोग, तो बच के। तो ये है आपकी रीडिंग, कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय गाइस।